हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आदांस टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ जो कि ट्यूब बेंडर और ट्यूब के ऊपर है, जो कि हम ट्यूब को ट्यूब बेंडर से कैसे बेंड करते हैं उसके बारे में आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन ट्यूब को बेंड करने के लिए, उसमें एंगल देने के लिए ट्यूब बेंडर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जरूरत होता है, मैं मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हम अगर अच्छे से आपको ट्यूब में बेंड देना है तो हमें ट्यूब बेंडर की जरूरत पड़ेगी। आपको देख सकते हो एटलास कंपनी का ट्यूब बेंडर है, 0 से लेके हम इसमें 180 डिग्री तक का एंगल दे सकते हैं, 45, 90 और 180 आपको ये दिख रहा होगा। और ये एटलास कंपनी का है ये ट्यूब बेंडर, ये छोटा वाला ट्यूब बेंडर है। ऐसा ही सैम एक बड़ा ट्यूब बेंडर आता है जो कि बड़ी ट्यूब को बेंड करने के लिए काम आता है, जैसे कि हमारी 12 mm की ट्यूब होती है वो इससे बेंड हम नहीं कर पाते हैं, ये लगभग 6 mm की ट्यूब को बेंड कर देता है। तो ये 6 mm की ट्यूब के लिए हिसाब से ये बनाया गया है। तो 12 mm का होता है, 10 mm का होता है, 8 mm का होता है, तो ये हमारी अलग अलग साइज की ट्यूब्स होती हैं। हमारे पास अभी जो ट्यूब है वो 6 mm की ट्यूब है, तो हम इसको इससे बेंड कर रहे हैं ट्यूब बेंडर से। तो ट्यूब बेंडर आपने देख लिया कैसा होता है, हालांकि मैंने ये वीडियो पहले बना रखा है इस टाइप का, लेकिन आपको एक वीडियो और चाहिए था कि हमें सर थोड़ा सा और क्लियरली समझाइए कि हम ट्यूब को कैसे बेंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर दी हम यहाँ पे, और ये हम इसमें एंगल जो देने वाले हैं वो 90 डिग्री का एंगल देने वाले हैं। इसमें हम 45 डिग्री का भी दे सकते हैं, 90 का भी दे सकते हैं, 180 का भी दे सकते हैं। उसमें आपको दिख रहा था 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिधर मोड़ना चाहे उधर ट्यूब को मोड़ सकते हैं, मेन बात वही है उसको। देखिए हम यहाँ पे मार्किंग किया और कैसे हमने इस ट्यूब को फंसाया। अभी बहुत से लोगों को ट्यूब फंसाना भी नहीं आता है, तो वो यहाँ से सीख जाएंगे इस टाइप से ट्यूब को फंसाते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखो मार्किंग जो किया है, अभी हम जो आप बैंड दे रहे हैं इसमें लगभग ये 45 डिग्री का बैंड हो गया, ये देखिए ये 45 डिग्री का हो गया, लेकिन हमें ये 45 डिग्री नहीं करना है, थोड़ा हमें पूरा मोड़ना है, तो लगभग इसको 90 के आसपास छोड़ेंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का हमें बैंड, 90 डिग्री का चाहिए, तो 90 डिग्री पे हमें मोड़ दिया है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।